दोस्तों आज हम दाल चावल के अप्पे बनाना सिखाएंगे। उसके लिए 3 कटोरी चावल, 1 धुली हुई उड़द की दाल, 3-4 घंटे उसको भिगोएंगे। साफ पानी से धोके उसको एक बर्तन में भिगो देंगे। उसके बाद मिक्सर में पेस्ट बनाएंगे उसका, जैसे कि मैंने बना के रखा है। इस पेस्ट को कम से कम 6 घंटे के लिए रख देंगे। तो अब हमारी सामग्री है उस घोल में मिलाने के लिए। कटी हुई बारीक प्याज, बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्ची, मटर, कटी हुई टमाटर, ये सबको बारीक काटना है। कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, सोडा, खाने वाला सोडा, इन सबको इस घोल में मिलाना है। प्याज, गाजर, शिमला मिर्ची, मटर, टमाटर और ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, इन सबको मिक्स करना है। देखो कितना सुंदर रंग बिरंगा पेस्ट लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये आप हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हो, बना के बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हो। जल्दी बनने वाला है। इस पेस्ट को आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हो। हरी मिर्ची, धनिया कटे हुए, स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे, इससे सब्जी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये हमारा अप्पे बनाने का बर्तन है। अब इसको 5 मिनट गरम करेंगे। ये मेरा बर्तन गरम हो चुका है। ये देखिए घोल कितना अच्छा हो गया, तैयार हो गया बनके। अब इससे अप्पे बनाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था, दाल चावल गला के 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, उड़द की धुली हुई अच्छे से धो के उसको 5-6 घंटे गला के उसका पेस्ट बना के मिक्सर से, फिर 5-6 घंटे के लिए रखेंगे या फिर खमीर उठ जाए उसमें सब सब्जियां मिला के फिर 20 मिनट रखेंगे। ये मेरा घोल तैयार है। अब इस बर्तन में 2-2 बूंद हर एक उसमें डालेंगे, ज्यादा नहीं, 2-2 बूंद। इसके बाद इसमें 1-1 चम्मच घोल डालेंगे। इतना ही डालेंगे, ज्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि ये हमारे अप्पे फूलेंगे भी।
सभी में एक एक चम्मच डालेंगे। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, कभी भी बना सकते हैं। इसका पेस्ट तैयार करके फ्रिज में रख लीजिए। अब इसको 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब इनको पलटेंगे इसकी मदद से। आराम से पलटेंगे। ये देखो हमारे कितने अच्छे गोल गप्पे बन गए, गोल गोल अप्पे बन रहे हैं। धीमी आंच पे पकाना है, सिम पर, गैस को सिम कर लें। अब इसमें एक एक बूंद सभी में किनारे से डाल देंगे, जिससे अच्छी तरह ये पक जाएंगे। इसमें तेल बहुत कम लगता है। फिर 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हमारे अप्पे बनकर तैयार हैं। ये देखिए नीचे से भी सिक चुके हैं, सुनहरे हो गए हैं। ये देखिए पलट दिए मैंने। इसी तरह सारे अप्पे आप बना सकते हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे अप्पे बनकर तैयार हैं। देखिए कितने स्पंजी बने हैं, ये देखो।